वंदना करिहे मुनि कदा शक्ति धाये तम बोलि रोषे मुनि ब्रह्म मात्र Thank you.
श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के
श्रद्धा पाने का उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जता ही हरे कृष्ण। आज हम लोग प्रभुपाद का एक प्रश्न और एक उत्तर हम सुनेंगे। ये प्रभुपाद ने प्रश्न का किया उत्तर दिया, इसलिए प्रभुपाद जिसने प्रश्न किया है कृष्णा किसके प्रार्थना को सुनते हैं। जैसे हम भगवान भगवान करते हैं, हम बहुत कुछ चीज मांगते हैं, ठाकुर जी हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमको मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन हम तो प्रार्थना करते हैं लेकिन ठाकुर हमारा प्रार्थना सुनते हैं। हम तो कुछ कहते हैं अरे भगवान इतना प्रार्थना किया, ठाकुर हमारी प्रार्थना ही नहीं। इसलिए किसने प्रश्न किया अरे भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं, तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते ही बोले हे कृष्ण हमें अपनार निकट थे हमार निजे कौन सुख चाहना अपनार जा चाहता ही हमारा श्रीकार। जैसे ठाकुर जी उसके प्रार्थना सुनते हैं, जो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी मैं अपना कोई सुख नहीं चाहता, इन जो भगवान का भक्त होते हैं, इसलिए श्री भक्ति ठाकुर बोले जिसके अंदर में छह शरणागति हो जाएगी ठाकुर उसको ही प्रार्थना सुनते हैं। बोले छह शरणागति क्या है, बोले पहला नंबर है भक्ति का जो अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करनी चाहिए और भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु उसको छोड़नी चाहिए। जो काम करने से गुरु वैष्णव और भगवान संतुष्ट हो हमें जीवन में वही काम ही करना, जो काम करने से गुरु वैष्णव और भगवान असंतुष्ट होते हैं वो काम हमें नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं अनुकूल से संकल्पम प्रातिकूल से गुणम, मतलब है भक्ति का जो अनुकूल है उसको केवल आज से वही काम करेंगे जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा करना, संकल्प मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, हमें प्रतिज्ञा करते हैं वही काम करना जिसमें भगवान संतुष्ट होते हैं, अब वो काम को नहीं करना जिसमें ठाकुर जी और गुरु वैष्णव संतुष्ट नहीं होते। कहते अनुकूल से संकल्प प्राप्ति तीसरा बोले रक्षित विश्वास है, हमारे अंदर में ये विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जी हमें संपूर्ण रूप से रखा है। जैसे श्री अंबर सिंह महाराज उनको अपने दुर्वासा जी को भेद होकर के उन्होंने कृत्या राक्षस को प्रकट किया, उसमें मार डाला लेकिन वो इधर उधर भागे नहीं, वो वहीं पर खड़े रहे हाथ जोड़ के ठाकुर जी जा के राके साइया मार सकना कोई और पाल ना बांधा कर सके जो जगह मेरी नहीं है। बोले तुमको तुम जिसको रक्षा करते हो दुनिया में कोई भी उसके बाल भी बंधा नहीं कर सकता, अगर तुम जिसको रक्षा नहीं करते हो विश्व ब्रह्मांड अगर एकत्रित हो जाए तो उसको जगत में कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए एक जगह पर खड़े हुए, वो एक जगह पर खड़े हुए इसलिए क्या हुआ, भगवान उसको रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया था। बोले सुदर्शन चक्र आपको रक्षा करना है क्योंकि वो संपूर्ण रूप में मेरे शरणागत है, वो अपना लिए कुछ करता ही नहीं, कहाँ पृथ्वी का राज्य गुजर गए थे लेकिन सबई मन कृष्ण पदार मन से क्या करते थे भगवान के चरण को स्मरण करते थे। बोले बाचांस की वैकुंठ गुणान वर्णने, बोले पानी के द्वारा क्या करते थे भगवान की गुणगान करते, बोले करो वो हरेर मंदिर मार्जना देशो, हाथों से क्या करते थे भगवान की मंदिर को मार्जन करते थे हैं। बोले सिरा ऋषिकेश पदान वंदने, सर से क्या करते थे ठाकुर के चरण में प्रणाम करते थे। बोले पादौ क्षेत्र पदान सर्पण, चरण से भगवान की मंदिर परिक्रमा करना, धाम परिक्रमा करना, तुलसी परिक्रमा करना है, इसलिए सारे इंद्रियों को भगवान के चरण में समर्पण कर दिया था और राज्यों को देखभाल भी करते थे, मंत्रियों को दे दिया था जो तुम लोग देखो अरे हम भगवान की भक्त हैं, क्यों तो खुद राज्य को नहीं देखते, वो जानते ही ये काम तो होता रहेगा, ये काम होता रहेगा, कोई करे न करे संसार का काम होता रहेगा। फिर कोई सोचते ना अरे हम नहीं करेंगे तो मेरे क्या होगा, मेरे इसको कौन करेगा है, हम नहीं करेंगे तो मेरे इसको कौन करेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को एक अच्छी बात बताए, बच्चों को ये बताए कि बच्चों को बताओ जीवन में कोई दुख चाहता है
मतलब बिना बुलाए तो आता कि आता है, जो बिना बुलाए तो आता है हमारे प्रकृति में नहीं गया है दोनों आएगा, वो आएगा ही। इसलिए सारा दिन अगर यही कोशिश करे रुक जाए सुख आए रुक जाए सुख आए, सारा जीवन अगर इसके पीछे लग जाओ ना प्रहलाद कहते जीवन की कभी भी समाधान नहीं होगा। हमने बताया कैसे होगा कैसे होगा, तब हमने बताया भगवान की भक्ति के द्वारा जैसे जीव का दुख कष्ट दूर होगा पृथ्वी में, और कोई उपाय नहीं को दुख दूर होने का है, दुख दूर होने का दुख का जड़ क्या है, हमने भगवान को भूल गए। कृष्ण बोले सही जी अनादि रहे हो अतएव माया कार्य संसार, जितने जू का जड़ कारण है हमने भगवान को भूल गए, सारे दुख का जड़ यही है। फिर जब उनका स्मरण करने लग जाएगी बस फिर आनंद ही आनंद। इसलिए प्रहलाद को प्रहलाद हमारे बच्चों को बोलते हैं बच्चों भगवान के भजन में लग जाओ, इन लग जाओ अपने आप बोल जाएंगे। इसलिए पहले उदाहरण दे रहे थे ना, जैसे तुम्हारी यहाँ पे घोड़ा हो गया, अब उसको अगर उसके ऊपर मलहम पट्टी करोगे ना देखना दूसरी जगह पर फैल रहा, उसका मलहम पट्टी करो देखना तीसरा जगह पर घोड़ा, पूरा शरीर में घोड़ा निकलता रहेगा, मलहम पट्टी से दूर नहीं होगा लेकिन उसका जड़ को देखोगे क्यों घोड़ा हो रहा है। घोड़ा होने का मूल कारण मन जो ब्लड है वो खराब, ब्लड खराब हो गया इसीलिए वो घोड़ा हो रही है। तो ऊपर से मलहम पट्टी कर रहे हो तो तुम तो जड़ से खत्म नहीं किया लेकिन ब्लड को सही कर दिया ना, घोड़ा अपने आप सही हो जाएगा। उसी तरह ये दुख का जड़ किया, वो जड़ को देखो, जड़ एक ही है महापुरुष स्वयं कहते हैं भगवान कृष्ण बोले सही जी अनाज भगवान को भूलने का वजह से ये माया ने संसार कारागर दुर्ग बनाकर तुमको फेंक दिया। इसलिए भले ही सारा दुनिया की जितना सारी चेष्टा कर लो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो हरि विमुख का भी सुख नहीं पावा, हरि से विमुख होकर के जगत में उतर तो सुख मिला ही मिला ही नहीं। इसलिए कहते हैं रक्षी सती थी विश्वास, मतलब भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रहनी चाहिए, ठाकुर हमें जरूर रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या किया, पिता जहाँ आकाश से लेकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया था, पत्थर बांध दो समुद्र में फेंक दिया, पत्थर में फेंक दिया, जहरीले सर्प को सामने फेंक दिया, आदि को सामने उनके चरण प्रणाम कर दिया है। इसलिए भगवान जिनको रक्षा करेंगे इसलिए रक्षी सती के विश्वास भगवान ही हमारे पालन करता है, जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक जो पालन करता है, चिट्ठी से लेकर के हाथी तक जो पालन करता है, क्या हमको भक्ति करने से हम क्या भूखे रह जाएगी क्या। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं बोले अनन्न सिंतर तमा जे जनाहा पर उपासते तेसां नित्या विजुक्तानां योगाक्षयं महामहिमं। अनन्य रूप में एकांत रूप में सबको छोड़ करके मेरे शरण में आते हो कि मैं दो काम करता हूँ, दो काम क्या करता हूँ, मतलब पहला काम है उसको घर में कोई चीज नहीं हो मैं सर पर रखकर घर में पहुँचा, तो दूसरा काम क्या करता हूँ जो घर में है उसको मैं सर रखवा चौकीदार बन करके उसको मैं रखवा लूँ है। इतना बड़ा प्रतिज्ञा भगवान, इतना बड़ा प्रतिज्ञा भगवान का, इसलिए कहते रक्षित अति विश्वास बहुते वर्णम, इसलिए वो श्रीवास पंडित वो चार भाई थे, चार बहू हैं, बड़ा परिवार है, घर में कोई काम धंधा नहीं, बैठ करके मजरा और मृदंग लेकर दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन भर भक्ति करते थे। महाप्रभु बोले क्या कर रहे हो, इतना बड़ा परिवार काम धंधा कुछ नहीं, दिन भर मजरा और बल्कि मजरा लेकर दिन भर कीर्तन करता था, कट पर संसार कैसे फलेगा। तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने तीन बार ताली बजा दी, बोले तीन बार ताली क्यों बजाए, बोले प्रभु आप गीता में खुद बोले हो
जो तुम्हारी शरण में आएगा उसको हम नहीं रक्षा करूंगा, उन्हें घर में बदलो करूंगा। इतने दिन भर आप तुम्हारी भक्ति करें भजन ही कर रहे, बोले ताली क्यों बजाए, बोले पहला ताली इसलिए बजाए एक दिन तुम्हारी भजन करते हुए हम देख लेंगे हमारे घर में कुछ भजन आता है। बोले दूसरे ताली क्यों बजाए, बोले दूसरे दिन भी भजन करते हुए देख लें, बोले तीसरे क्यों बजाए, बोले तीन दिन भी देख लें। अगर तीन दिन में घर में कुछ नहीं आएगा ना तो सोचता भगवान गीता में झूठ बोलूंगा, इसलिए गले में कलसी बांध करके पत्थर बांध कर गंगा में डूब मरूंगा। महाप्रभु ने प्रसन्न हुए, पीठ पर हाथ रखा, बोले बेटा अगर लक्ष्मी को भी कभी दरवाजा तो फिर भी मांगना पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी दरिद्रता आएगी नहीं, तेरे घर में स्थिति कमी होगी नहीं। इतना बड़ा भगवान ने इसलिए कहते गोपृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्य जो पंचमा जो शरणागति है, हैं भगवान की चरण में संपूर्ण रूप में शरणागति, भगवान की चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो रहे ठाकुर जी आप मेरे हो हमें मेरा। इसलिए इस सब चीज को हम जीवन में कैसे अपनाएंगे किस रूप में, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने यह हर शरणागति के लिए तीन तीन चार चार कीर्तन दिए इतनी चीज को अपना जीवन में अप्लाई कैसे करें हैं कैसे करें। इसलिए वहाँ पर कहते हैं बोले आत्मा निवेदन वाप करी आई नो पर दुख दुरे चिंता आनंद प्रभु आपके चरण में मैंने आत्मा निवेदन करके बड़ा हाल चारी तरफ में आनंद भैर परम सुखी चौधरी का आनंद देखी चारी तरफ में आनंद ही आनंद दिख रहा है। क्यों जब कोई व्यक्ति तेरे शरण में आ जाए फिर तो क्योंकि तुम्हारे चरण में अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वारी तुम्हारी चरण में अशोक अभय अमृत जो तुम्हारी चरण में है बोले कहा थे एक विश्राम लिया जब तुम्हारी शरण में हमने ग्रहण कर लिया दुनिया का क्या करेगा सर कोई डर नहीं जिसको रखा तो कोई भाव भी मौका नहीं कर सकते। इसलिए कहते क्या करना पड़ेगा बोले तुम्हार सुख तरे जो कुछ हम काम करेंगे जैसे बोल दिया ठाकुर के चरण में आत्मनिवेदन कर दिया लेकिन तुम करते हो क्या, बोल तो दिया कर रहे लेकिन करते हो क्या, बोले जो काम करेंगे केवल तुम्हारी लिए ही हम करेंगे तुम्हारे सिवाय और किसके लिए हम कुछ कभी करेंगे नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे। उन्होंने बड़े सुंदर रूप में होते कर्म में बड़े सुंदर उन्होंने क्या क्या किया है और आत्मा लिखे पकार्पण न बोले दैन्य दैन्य मतलब होता है दीनहीन भाव से है दीनहीन होकर के हम भक्ति करनी चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते बोले ठाकुर जी अपना जा इच्छा ताही हमारे श्रद्धार्य जब हम उसकी चरण में शरणागत हो जाएंगे ठाकुर जी तो हमारी इच्छा में हम अपना इच्छा पूर्ण करेंगे। हम कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं है बोलते हैं ना, इसलिए तुम्हारी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया अगर जो कुछ होगा क्या मैं समझूंगा तुम्हारी इच्छा वही हमारे श्रद्धार्य मतलब है हम सर नीचा करके जीवन में जो कुछ आएगा हम सर नीचा करके उसका नाम स्वीकार करेंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं एक समय कुछ लोग नदी पार कर रहे हैं नदी बड़ी लंबी चल रही उसमें एक संत भी बैठा हुआ था वो नाव जो बीच दरिया में पहुंच गया था आंधी तूफान आंधी तूफान आई वो नदी बड़ी लंबी जो भी पानी पर चला चल चल करके पानी वो नाव के अंदर में पानी भर रहा था लोग डर रहे थे बीच दरिया में नए नाव टूट नहीं जाए लेकिन उसमें एक संत बैठा था वो पानी तो वैसे छलक छलक गिर रहा था लेकिन वो क्या कर रहा था वो पानी और नाव में भर रहा था। उसने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो कैसे नाव टूटने वाले ये पानी तो अभी भर रहे हो तुम इसमें जो भर रहे हो वो पागल हो गए क्या अपने ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला पागल क्या पानी का निकाल नहीं चाहिए तो उल्टा भर रहे हो
जब थोड़ी दूर गए ना खाने को मांग करता, फिर उसने पानी को पानी को बाहर निकलने लग गया। ऐसे पागल जब जरूरत था निकाल के कर रहा था, जब भरने का जरूरत है निकाल रहे हैं। मैं तुम क्या कर रहा था? मैं तो बोले ठाकुर को इच्छा से इच्छा किया, जो हम कहते हैं उसके इच्छा से मगर पता नहीं था। ये आदि तूफान आए किसकी इच्छा से आएगी? ठाकुर जी की इच्छा से। पानी गिर अंदर में आ रहा था किसी की इच्छा से? ठाकुर की इच्छा से हैं। इसलिए मैं पानी उसमें भर रहा था जब ठाकुर की इच्छा। एक दिन थोड़ी दूर गया बंद हो गई, बंद हो गया तो भी ठाकुर का इच्छा, मतलब नाव नाव डूबने वाले नहीं है वो, ठाकुर की इच्छा जब डूबने वाले नहीं, इसलिए मैं पानी को निकाल रहा, जैसे पानी को निकाल निकाल रहा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, भगवान की इच्छा में हमें अपना इच्छा को मिला मिला देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु तुम्हारी इच्छा में अपना शिरोधार क्या है, जो तुम करोगे सब कुछ वही होगा। हाँ शिरोधार क्या है, ताकि यदि हमारा कष्ट है ताही हमारा सुख। अगर ऐसे करते हुए अगर जीवन में कोई कष्ट भी आता है ना, ठाकुर जी ने समझा तुम्हार सेवा दुख है परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अभी। कीर्तन में कह रहे हैं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए अगर जीवन में कोई कष्ट आता है, हम समझो तेरा ही मजा, उसमें तेरा ही इच्छाएं। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए जाकर जो कष्ट होता है, भक्तिवृंद ठाकुर कहते हैं सेवक परम सुख, और दुख का कारण नहीं सुख का कारण, और सुख का कारण नहीं, क्योंकि सेवा में जो दुख और सुख है वो क्या करता है हमारे जीवन का सारे अविद्या को सारे अनर्थ को दूर करता है, अनर्थ को दूर करता है। इस मानो भगवान की सेवा के लिए जाए उसमें भी दुख कष्ट हुआ है, ठाकुर देख रहे हैं। जैसे मानो घर में कोई मालिक है, घर में कोई एक मालिक है, घर में मालिक है वहाँ पर कोई नौकर है, उसमें कोई नौकर है, वो मालिक देखता है दिन भर, मालिक देखता है ये नौकर दिन रात बराबर करते, ये दिन रात ये सेवा करते है, बराबर सेवा करता है, बड़ा कष्ट। तो मालिक देख रहा है कि नहीं, वो खुश होगा कि नहीं? अरे तो देखो मेरे लिए इतने को कितना कष्ट स्वीकार कर रहा है, मेरे लिए कितना ये कष्ट स्वीकार कर रहा है, मालिक देखकर खुश होगा कि नहीं? उसी तरह जब भगवान की हम सेवा कर रहे हैं अगर उसमें कोई कष्ट होता है ना, ठाकुर सारे कष्ट हो रहे ये मेरे लिए ये व्यक्ति कितना कष्ट स्वीकार कर रहा है, भगवान सब चीज़ को देखते हैं। और संसार के लिए भी हम कष्ट करते हैं, संसार के लिए भी हम कष्ट करते हैं, लेकिन संसार के लिए जितने कष्ट कर लो ना उसका कोई फल नहीं, उसका कोई भी फल नहीं। जितना भले ही रगड़ करके अपना शरीर पर जो कुछ कर लो उसका कोई फल नहीं, थोड़ी सी कभी इधर उधर हो जाएगा ना, भले ही आप संसार के लिए जितने ही भर किए हो थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे तुम मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या किए हो, थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाए। लेकिन भगवान ने इसे नहीं, भगवान से इतना कर ठाकुर जी इतना कर है। द्रौपदी भगवान की उंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ कर गार्डन कर दी, भगवान इतने भी रीझ गए, इतने भी रीझ गए, कब मैं इसका रेडीमेड कब उतारूँ, क्योंकि उंगुल कट गया तो साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, जिसकी पाँच पाँच पति सर्वस्वी भजू गदाधारी तलवार युद्ध में नकुल भाला युद्ध में युद्ध के बराबर कोई नहीं थे, कोई नहीं थे, लेकिन जिनके पांच पांच पति की कृपा में नहीं आए, केवल पांच पांच पति नहीं आ गए, एक पति का काम आए, इसलिए खाब में आए तो कौन आए, ठाकुर जी आए, खाब में आए तो ठाकुर जी आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर तुम्हारी कोई सेवा करने के लिए है उसमें कोई कष्ट हुआ ना, ठाकुर जी तुम देख रहे हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, इसलिए उसको क्या माननी चाहिए, कहते प्रभु तुम्हारी इच्छा में तुम्हारे दुख कष्ट तुम्हारी इच्छा में, अगर तुम्हें अगर कष्ट होता है तुम्हारी सेवा करने के लिए जा करके कहती है हमारी परमात्मा, यह हमारे जीवन का परम आनंद है। इसलिए मंगलमय अपना अर्थ व्यवस्था को अमंगल नाई, हम कहते हैं ना
मंगल भवन अमंगल मंगल हरि अति मंगल में भगवान उनकी व्यवस्था में कभी अमंगल कोई नहीं सकता। तो जो कुछ कहते हैं मंगल के लिए हम एक कथा सुनाते ना, एक राजा एक मंत्री शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते राजा का कबूल कर गए, महामंत्री मेरे कबूल कर गए कि देखो भगवान मंगल में है तो इसका कभी अमंगल नहीं करते हैं, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं मंगल के लिए क्या हिंदे मार्गल के अमूल कर दिया। तो कहते भगवान तो अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए भगवान तो उनका बुरा कर ही नहीं सकते, इसमें भी कुछ अच्छा भलाई है, इसलिए इसमें भी कुछ भलाई, हम तेरा भलाई दिखाते हैं। हाँ देखता हूँ भगवान तेरा भलाई कैसे करते हैं। एक सूखा गड्ढा हुआ था और राजा ने उनसे पकड़े उसके अंदर पड़ेगा, तो बोलते हो ना जो कुछ करते भगवान करते वो मंगलमय ही, कभी अमंगल कर ही नहीं सकते पड़ेगा। आज जब वापस आ रहे थे एक डाकू का सरदार माता देवी को सामने मनोरथ रखा था, मेरे घर में एक बेटा हो जाएगा तो तेरे पास में एक नरबलि है, नरबलि उन्होंने मनोरथ रखा था, मेरे इतने में जो घर में बेटा हो गया ढूंढ कर लाओ, माता की मेरी इच्छा पूरी कर ढूंढ कर लाओ एक नरबलि इंसान को ले आओ। ढूंढते ढूंढते राजा के लिए बड़े लंबे चौबे सुंदर माँ माँ को भी खुश हुई है, कितना बढ़िया बलि कर दिया कितना खुश हो, वो प्रसन्न होकर के पकड़ करके ले गए। राजा बोले भगवान इनके चक्कर में पड़े, अगर मेरे साथ में मंत्री है तो हम युद्ध कर ले सकते हैं, युद्ध करने में अकेला क्या करोगे, डाकू का सब दल है अकेला क्या करूँगा, पकड़ करके ले गए। ले करके उसको अच्छे तरह से स्नान कराया, कपड़ा पहनाया और उसको देवी को सामने एक लकड़ी होता है जिसके अंदर में सर्प फंसा देते जो प्रकार होता है फंसा देते, फंसा दिया राजा काम रहा था ज्ञान से जीवन में गया हमारे उठाया तलवार। जब तो काटने जा रहे थे एक नियम है माता जी को वही चीज बलि चढ़ती है जो शरीर से पूर्ण हो, अगर शरीर इसका पूर्ण नहीं हो माता जी के सामने बलि चढ़ नहीं सकती। लेकिन हाथ उनको नजर पड़ा ये अंगुल कटा हुआ खून दिख रहा था, उठाया था राजा छटपट कर रहे थे लेकिन जब देखा खून टपक रहा है कटा हुआ अंगूर तलवार बिठा दी, बोले ये माता सेवा के लायक नहीं है क्योंकि इसका शरीर कटा हुआ शरीर है, इसलिए जो डॉक्टर का सरदार था उसको बोले इसको छोड़ दिया, ये बलि चढ़ेगी नहीं माँ नाराज हो गया उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया बोले मंत्री तो सही बोलता भगवान जो करते हैं अच्छी नहीं है कहते हैं, अगर मेरा अंगुल कटा हुआ नहीं होता ना तो मैं पूरा पूरा बलि चढ़ जाता है, पूरा पूरा बलि चढ़ जाता। माता जी बड़ी कृपा है, इतने में वापस आया, वापस आकर के उसने मंत्री को निकाला अंधकार कुएं से, बोले महामंत्री ऐसे ऐसे बात है तुम भी बता रहा था ना सही बता रहा था, मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ तो मैं पूरा पूरा बलि चढ़ जाता, ठाकुर सत्यों से सब कुछ अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन राजा ने मंत्री से पूछा ये बात मेरे समझ में आ गया ठाकुर जी मेरे कल्याण के लिए तेरा क्या कल्याण, तब से लेकर के अभी तक तेरे को ये अंधकार कुआ में मैंने डाल कर रखा तेरा क्या कल्याण किया। मंत्री ने कहा महाराज आपका थोड़ी कल्याण कल्याण तो मेरा ही होता, लेकिन इसे अगर मेरे को ये कुएं में नहीं डालते फिर आप दोनों जाते, दोनों जाते तो तुम्हारा अंगुल तो कटा हुआ तेरे को छोड़ देते, अब मैं तो पूरा के पूरा था माता के सामने पूरा पूरा बलि हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद मंगलमय अपना व्यवस्था है कौन अमंगल नाई, मतलब आप मंगलमय हो अब जो कुछ हो व्यवस्था करते उसको अमंगल नहीं। इसलिए हमारे भारती महाराज का एक उपदेश है भक्ति भारती गोस्वामी महाराज का उनका उपदेश है, बोले जिस अवस्था में रखने पर हमारी मंगल हो ठाकुर जी हमें उसी अवस्था में ही रखें और उसी अवस्था में रह करके भगवान की भजन करो। कभी हम बोलते हैं ना अभी भजन नहीं करेंगे थोड़ी सी व्यवस्था अच्छा हो जाए बच्चों को लिखा पढ़ा कर दे शादी शुदा कर दे जब सारे काम से फ्री हो जाएंगे ना हम भक्ति करेंगे, लेकिन वो कहते नहीं जिस अवस्था में रखने पर तुम्हारी सबसे बढ़िया ठाकुर जी तुम्हें उसी अवस्था में रख दे और उसी अवस्था में रह कर क्या कर भगवान की भक्ति शुरू कर दो है। इसलिए कद एरूप भावे आंतरिक श्रद्धा विशिष्ट हलई कृष्ण तार सेवकर निवेदन ग्रहण
करे दत्वा ग्रहण करे ना। जब हमारी ऐसे भावना अंदर से हो, ऊपर से नहीं दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए हो नहीं, सचमुच से अपना हृदय से अंदर से अगर हमारी आंतरिक श्रद्धा अंदर से ऐसे सचमुच से श्रद्धा अगर विशिष्ट होने पर कृष्ण क्या करते हैं उसका सेवक को निवेदन को ग्रहण करते हैं। जब ऐसे भक्त हो, ऐसे जब भक्त निवेदन करता है कोई बात को भगवान उसको ग्रहण करते हैं, न तो वह ग्रहण करे ना नहीं तो ठाकुर जी उसका प्रार्थना को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ठाकुर को तो हम ठग नहीं सकते। अगर कोई सोचे मैं ऊपर कुछ हाफ हाफ दिखा करके रो रहा करके ठाकुर को सब कुछ करते हैं भैया, वो तो अंदर में बैठे हाँ, इसलिए या तो अंदर में बैठ कर सारी चीज़ को देख रहे हैं, वो पहले से तीन जगह से टेढ़े हैं है? अगर हम अगर वो पहले ही टेढ़े हैं, अगर हम टेढ़े होएंगे ठाकुर बोले भैया पहले भी टेढ़ा, अगर हम सीधा बनेंगे तो ठाकुर हमारे लिए भी सीधा बन जाएंगे है? इसलिए कृष्ण जो बंसुरी बजाते क्यों, उसमें दो गुण बंसी में दो गुण है, इसलिए ठाकुर के पास में भी रखते हैं और बजाते भी। पहले पहला गुण किया जो एकदम अंदर में खाली है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। दूसरा गुण किया कृष्ण जैसे चाहते हैं वो मसूरी ऐसे ही बस मछली, वो जैसे चाहते वैसे बचती है। कहते अगर ये दो गुण आ जाए बस हमारे भी कल्याण हो जाएगा, ठाकुर हमें भी पास में रखें। हृदय को क्या करो खाली करके जाओ, भर करके नहीं, तब तो ठाकुर तुम्हारे हृदय में भरेंगे ना। अगर पहले से ही भर करके जाओ तो ठाकुर कैसे भरेंगे, तभी तो ऑलरेडी भरा हुआ है, हम भरेंगे कहाँ है। इसलिए अंदर हमारी खाली होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, कृष्ण जैसे चाहते हैं हम अपना जीवन को वैसे चलानी चाहिए। अगर ऐसे भावना हो तो ठाकुर जी को हम वो प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को सुनवा करेंगे। ठीक है, बोले निकाई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताई और हरि 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 हरि